हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब कोई भी अगर दो इक्वेशंस अपन को गिवन है तो दो इक्वेशंस को टू इक्वेशंस को देख कितने ही अपन ये बता पाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या फिर होंगे भी या नहीं होंगे, तो वो चीज आज अपन समझने वाले हैं कि ये पता कैसे लगता है। और वो पता लगता है जस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ऑफ एक्स y एंड constant टर्म का रेशियो देख के। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में क्या क्या आता है, या तो किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब केवल एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा, एक ही x और y की ऐसी वैल्यूज पॉसिबल होगी जिसको रखने पे LHS और RHS इक्वल हो दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कि उसके अंदर x और y की कोई भी वैल्यू रख दो, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल आंसर है। मतलब इनफाइनाइट को अपन ये भी बोल सकते हैं मोर देन वन। ठीक है, और थर्ड केस पॉसिबल होता है व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन, कि कोई भी x और y की ऐसी वैल्यूज नहीं है जिनको रखने पे अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा हो, वो भी दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, तीनों को देखते हैं कैसे रेशियो देखा जाता है, ये चीजें। ओके, अपन को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां पे अपन को ये भी पता है कि a1 square plus b1 square is never equals to 0 and a2 square plus b2 square is not equals to 0, कि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर ये कह लो कि a1 a2 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए और b1 b2 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखनी जरूरी होती है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए तो। ठीक है, और अपन को इसमें भी दिख रहा है कि दो इंटीजर्स का स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता until and unless ये दोनों a1 और b1 दोनों 0 ना हो। ठीक है, अगर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करोगे जब भी केवल 0 आ सकता है, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो भी वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी सी कंडीशन है, इसको देखते हैं पहले इधर आता हूं। अब देखो, सबसे फर्स्ट केस होता है व्हेन a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2. ठीक है, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. अगर ऐसा है तो जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकली जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा जो भी, अब देखो टू इक्वेशंस हैं तो नाइन्थ में केवल एक लीनियर इक्वेशन थी तो अपन एक लाइन ड्रॉ करते थे, अगर यहाँ पे टू इक्वेशंस हैं तो टू लाइंस ड्रॉ होगी, तो जो दो लाइन ड्रॉ होने वाली, जो टू लाइंस ड्रॉ होने वाली है वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तो है ग्राफ बनाओगे जो, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक ग्राफिकली है, और अब एल्जेब्रिकली अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसकी केवल एक्स और वाई की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और यहां आपको दिख रहा है टू लाइंस केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? ओनली वन। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात है? और अगर वैसे देखा जाए तो इसको अपन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं, और ये इंडिपेंडेंट भी होता है। ये इंडिपेंडेंट वाला जो कंसेप्ट है वो आपको कुछ
एक्स्ट्रा स्मार्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है। जब भी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है, चाहे वो एक हो या अनेक हो, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट मेनी हो, हमेशा उनको अपन कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब सॉल्यूशन नहीं आते तो अपन क्या बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट केस था जब अपन ने रेशियो को देख के ये बता दिया कि इक्वेशंस कितने होंगे। समझ आता है ग्राफ कैसा बनेगा और एलजेब्रिक में क्या होगा। ठीक है, अभी सॉल्व तो अपन ने करा ही नहीं है, जस्ट इक्वेशन देखी और देखते अपना ये बताना हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्लियर है। ओके, तो अभी अपन ने देखा a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे, बस हिंट दे रहा हूं कैसे करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन लिखी 2x plus 3y minus 5 equals to 0 and 3x minus 2y minus 7 equals to 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे a1 और a2 और b1 और b2 का रेशो। यहाँ पे a1 क्या है 2, b1 क्या a2 क्या है 3, यहाँ b1 क्या है 3 और b2 क्या है minus 2। क्या 2 upon 3 minus 3 by 2 के इक्वल होता है? कभी नहीं होता। मतलब जब कभी भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या होगा, ग्राफ बनाओगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। ठीक है, और एलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो सेकंड केस स्टार्ट करते हैं व्हेन देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उस केस में रेशियो के बारे में क्या कहना है, वो कुछ ऐसा है a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 कि जो भी तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर जो लाइन होगी टू इक्वेशन है तो टू लाइंस बनेगी, और जो टू लाइंस बनेगी वो क्या होगी, ओवरलैपिंग। मतलब अगर फर्स्ट लाइन ये है तो सेकंड लाइन जो बनेगी वो भी इसके जस्ट ऊपर ही बनेगी। इनको अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग, यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है, और जब एलजेब्रिकली करोगे तो आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन आते हैं चाहे एक हो या अनेक हो तो अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो हमेशा होता है इंडिपेंडेंट, और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो अपन बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। समझ आती है ये बातें, ये सेकंड केस समझ में आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों होता है, ओवरलैपिंग लाइंस क्यों बनती है। मान फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं 2x plus 3y plus 5 equals to 0 और फिर 4x plus 6y plus 10 equals to 0। मैंने ये टू इक्वेशंस मानी। ठीक है, अब इन टू इक्वेशंस को अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं, देखता हूं पहले रेशियो चेक करता हूं, रेशियो के अंदर आएगा 2 upon 4 a1 upon a2, b1 upon b2 होगा 3 upon 6 and c1 upon c2 होगा 5 upon 10। इन तीनों का रेशियो मैंने कंपेयर करा, तीनों 1 upon 2 के इक्वल है। तो अगर तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो क्या होता है, लाइंस ओवरलैपिंग होगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप का इक्वेशन देखे नहीं और आपने बता दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब ऐसा होता क्यों है कि ये लाइंस ओवरलैपिंग होती है? ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन सेम होगी जब ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सेम होगा, जब ही एक लाइन बनेगी, अदरवाइज दूसरी लाइन बननी ही है। तो एक लाइन क्यों बनती है, ओवरलैपिंग लाइंस कब बनती है कि जो मेरे को दोनों इक्वेशंस गिवन है वो दोनों क्या है, सेम है। और यहां ये सेम है, देखो आप इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये होगा 2x
प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा और ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो अपने पास ओनली बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 5, और यहां भी क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5। तो अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम होगा, जो लाइन बनेगी वो भी सेम होगी, तो दो लाइंस बनेगी और दोनों कैसी होगी, ओवरलैपिंग। और आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट केस था उसमें एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी, तो कितने सॉल्यूशन थे, यूनिक। यहाँ पे दोनों लाइंस हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, और अगर हर पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर है, समझ आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। अभी अपन जस्ट सॉल्यूशन ही निकाल रहे, अपन समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस है व्हेन ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। मतलब फर्स्ट टू का रेशियो तो सेम रहेगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो सेम रहेगा, बट कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अलग होगा। तो इस केस में जब ग्राफ बनाओगे तो जो लाइंस बनेगी वो कैसी होगी, पैरेलल। अब इतना देखते ही आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट केस के अंदर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो एक सॉल्यूशन, सेकंड केस के अंदर हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, और अगर पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती तो नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नहीं आता तो अपन उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। समझ आया क्या, ये चीज क्लियर है क्या? इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो मान लो 4x plus 5y minus 7 equals to 0, और एक है 8x plus 10y minus 16 equals to 0, ठीक है। ये टू पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनमें देखते हैं फर्स्ट ए वन अपॉन ए टू शाबाश 4 अपॉन 8, फिर 5 अपॉन 10 गुड, और फिर माइनस 7 अपॉन माइनस 16। ये माइनस साइन लगाना जरूरी होता है, कोएफिशिएंट के अंदर साइन भी होता है, तो ये माइनस माइनस है, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 7 अपॉन 16 आ रहा है। 4 अपॉन 8 क्या होता है, 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 10 क्या होता है, 1 अपॉन 2, तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है, लेकिन सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है। और अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है लेकिन सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होता, तो जो लाइन्स बनती है वो पैरेलल बनती है और सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो इसको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये इक्वेशन ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में मैं एक बार के लिए 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहां होगा 4x का 4x बच जाएगा, यहां 5y बच जाएगा, और यहां पे -8 बच जाएगा, ठीक है। ये 2 उधर जाके खत्म होगा तो अपने पास बचेगा 4x plus 5y minus 8 equals to 0, और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं तो मेरे को मिलता है 4x plus 5y equals to 8, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो अपने पास है 4x plus 5y equals to 7, ये फर्स्ट इक्वेशन और वो सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है कि 4x plus 5y किसके इक्वल है, सेकंड 7 के, और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, 4x plus 5y किसके इक्वल है, 8 के। अपन ने पढ़ा था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों के LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे, तो यहां से तो एक चीज निकल गया, a की 7 इक्वल्स टू 8 हो गया, क्या ये होता है क्या? दोनों इक्वेशन के अंदर LHS सेम है बट RHS अलग-अलग है, मतलब ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी।
जब लाइंस पैरेलल बनती है तो नो सॉल्यूशन होते हैं बिकॉज एक भी पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अपन को पता है जितने पॉइंट्स पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशन है। जब अपन ने फर्स्ट केस देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस तो एक पॉइंट पे, इनफाइनाइट बाउंड्री सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस हर पॉइंट पे, थर्ड केस में पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट होती ही नहीं है तो कभी सॉल्यूशन भी नहीं होते। यहां तक की बात समझ में आती है क्या? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सब चीज समझ में आती है। अब अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखी, उसके रेशियोज को कंपेयर करा, कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करा, और कंपेयर करते ही अपन ये बता देंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या? अब अपन ग्राफ बना के भी देखेंगे जिससे और चीजें क्लियर हो। कुछ इक्वेशंस लेंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के चेक करेंगे कि ऐसा हो भी रहा है क्या। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन ग्राफिकल मेथड समझेंगे, कुछ ग्राफ बना के सीखेंगे। ठीक है।